सो हेलो एवरीबडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ एक और वीडियो में। और ये मेरा बाल क्यों, हेयर्स क्या दिक्कत है, कोई नहीं। तो अभी हो गई रात और आधे कुछ 11:30 तो नहीं मैं कहूँगा, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। दिन में मैं बाहर था और आज कुछ ऐसा खास थका नहीं हूँ। एक अहम काम था वो मैं चल के देता हूँ आपको नीचे डिटेल्स। और हमारे पास कुछ हैं आइटम्स जो हमें लगाने हैं बाइक के अंदर, और वो हैं मैंने नया हैंडल बार लिया बाइक के लिए और न्यू ग्रिप्स भी हैं, और इनको मैंने पहले ही बॉक्स से निकाल लिया था बाहर। और ये मैं लाइट लेके आया था कि हेलमेट पे लगानी, तो इसका भी कोई काम नहीं है। हमारा काम अभी हैंडल बार का और ग्रिप्स का, और ये हमारा टूल और वो हमारा बैग जिसमें लेके जाऊंगा मैं सारा टूल नीचे पार्किंग तक। तो मैं बताता हूँ हैंडल बार मैंने क्यों लिया। मेरा जो एक्सपल्स का हैंडल बार था वो हो गया है थोड़ा सा बैंड, पता नहीं अभी कल नहीं परसों मैं लक्ष्य घर से आ रहा था तो मैंने एक जंप ली ब्रेकर से, और भाई जैसे लैंड हुआ तो देखा कि लेफ्ट साइड से हैंडल बार थोड़ा सा बैंड हो गया है अब ऊपर की तरफ। थोड़ा तो नहीं हुआ, थोड़ा बस सही बैंड था, जैसे गिरने पे नॉर्मली हैंडल बार बैंड हो जाता है, तो वैसा वो बैंड हो गया था थोड़ा। उसको घर पे आने बाद थोड़ा सा उसको लगा के जोर सीधा किया, पर मैं कल पूरा को मतलब बहुत ध्यान से मैंने बाइक चलाई, तो मैं शाम को वापस आते टाइम मैं करोलबा गया था अभिनव भैया के पास से एक न्यू हैंडल बार मैं लेके आ गया। तो कल टाइम मिला उसको लगाने का, और आज मैं पूरा दिन बाहर था तो आज भी टाइम नहीं मिला, तो अभी रात को लगाएंगे क्योंकि कल बाइक लेके जाना पड़ता है भाई, दिन में काम होते हैं बाइक के। तो अभी रात को हैंडल बार इंस्टॉल करते हैं और चलो नीचे चलते हैं बाइक के पास। हाँ तो भाई वेलकम है पार्किंग के अंदर, और यहाँ से जो हैंडल बार है वो बैंड हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा कर्व है, अभी दिखेगा नहीं, जब इसको खोल दूंगा लाइट में दिखाऊंगा ना तब दिखेगा। तो अभी हैंडल बार की कुछ सिचुएशन ऐसी है, और हम न्यू हैंडल बार डालने जा रहे हैं वो ये वाला है रॉयल एनफील्ड हिमालयन का। हिमालयन का हैंडल बार मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले हम खोलेंगे नकल गार्ड्स दोनों साइड के, फिर दोनों स्विच बोर्ड्स, फिर यहाँ से खोलेंगे, फिर ग्रिप्स, ये क्लच एंड ब्रेक लीवर्स निकालने हैं, ग्रिप्स निकालनी है, तो एक एक करके सब स्टार्ट करते हैं। चलो खोलना स्टार्ट करता हूँ। सो आउट विद द ओल्ड हैंडल बार, और मैं भी दिखा देता हूँ वो इशू कहा था, अगर कैमरे में अच्छे से आ रहा होगा तो यहाँ पे बैंड है और यहाँ पीछे भी बैंड है, तो ये हैंडल यहाँ से बैंड हुआ था। एक्चुअली ये हैंडल यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ बैंड हो गया था, और अगर हल्का फुल्का किसी को दिख रहा होगा दोनों एंगलों में डिफरेंस भी है, ये थोड़ा सा ऊपर हो रखा है, ये थोड़ा सा नीचे, तो ध्यान से देख लो। तो इस टैंक हैंडल बार तो ये हमारा हिमालयन का न्यू हैंडल बार, वो देख रहे हो थोड़ा सा कम ऊंचा है तो मैं थोड़ा एग्रेसिव स्टांस चाहिए था, तो मैंने उसके लिए हैंडल बार लिया। और हाँ, हिमालयन में यहाँ पे ऊपर छेद आते हैं और एक्सपल्स में यहाँ पे नीचे होते हैं, तो मैं ऑलरेडी छेद करवा के लाया हूँ करोल बार से। चलो इसको लगाते हैं।
हाँ तो भाई इतना हाफ हो गया रेडी, ग्रिप थोड़ी सी लूज है क्योंकि इसमें कोई छेद नहीं है और यहाँ पे होल है हमारा हैंडल मतलब वो नकल्स लगाने का। अब ये इतनी जा रही है, थोड़ी देर में इसको काटेंगे यहाँ से, इसमें फिट करेंगे। और उधर के हाफ के लिए सीन ऐसा है कि जो हमारी थ्रॉटल की ग्रिप है ये चेंज करनी पड़ेगी, और भैया इसके लिए मेरे को थ्रॉटल निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालते हैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर तो क्या, नीचे डाल देता हूँ, यहीं बैठ के डाल देता हूँ यार, वो थोड़ा निकालने की मेहनत है। तो चलो उसको भी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं हैंडल की फिटिंग कितनी अच्छी आती है। हाँ तो भाई इसमें होता है यहाँ पे एक नॉब, और इस नॉब में होती है हमारी थ्रॉटल की वायर ऐड, और थ्रॉटल की वायर को सामने कर इसको थोड़ा सा यार लूज, एक हाथ से काम होता नहीं अच्छे से, होता है मैं इसको निकालता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। हाँ तो भाई ग्रिप हमने निकाल ली और कुछ ऐसी दिखती है ग्रिप, और इसमें यहाँ से प्लास्टिक पार्ट में डली अच्छे से घुसी होती है वैसे तो ये, तो पहले से इसको यहाँ से निकालो। अब अगर ये सीधी यहाँ से बाहर आएगी तो ठीक है, नहीं क्योंकि नॉर्मली इसमें ग्लू करके चिपकाया जाता है इसको। तो मैं देखता हूँ ये कैसे बाहर आती है, थोड़ी की बाहर तो ये आ जाएगी शायद, हाँ बाहर आ जाएगी। काफ़ी बाइक्स में ग्लू के साथ चिपकी रहती है, इसमें नहीं है। इसको भी निकालते हैं। सो निकल गई, ऐसी दिखती है हमारी उस अंदर से ग्रिप, थ्रॉटल, थ्रॉटल कह लो, ग्रिप कह लो, थ्रॉटल ग्रिप कह लो। तो अब इसमें डालेंगे न्यू वाला, तो न्यू वाले ओल्ड वाले फर्क दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इससे पतला भी है और ये सॉफ्ट भी है ज़्यादा, और ये हमारा स्टॉक वाला कंपनी वाला। इसमें यहाँ पे अंदर ऑप्शन आता है उसके अंदर, इस कट के अंदर फंसाने का, न्यू वाले में कोई ऑप्शन नहीं है, ये बस सीधा जाएगा इसके अंदर। लगता है मेरे को यार आउटर ट्रिम्स थोड़ी ट्रिम करनी पड़ेगी आई थिंक सो इसके अंदर डालने के लिए। सो डालते हैं इसको भी अंदर। माय मिस्टेक, दोनों ग्रिप्स में थोड़ा सा फर्क है, एक थोड़ी सी पतली है, एक का थोड़ा सा मोटा छेद है। ये हमारे थ्रॉटल में डालने के लिए मोटे वाला, पतले वाला साइड क्लच साइड डालने के लिए। सो ग्रिप तो चढ़ गई एकदम परफेक्ट, और हाँ भाई ये थोड़ा सा बचा रहेगा, इस काम कुछ नहीं करता, इतना थ्रॉटल हमेशा हमारा दिखता रहेगा। पर ये ग्रिप्स बहुत अच्छी हैं कसम से, मैं मेरी पल्सर में भी यूज़ करता था इन ग्रिप्स को, प्रोटेपर की, बहुत सॉफ्ट ग्रिप्स हैं यार कसम से, प्रोटेपर की ग्रिप्स बहुत अच्छी आती हैं। ये लग गई, अब बाइक में इंस्टॉल करने का टाइम है इसका। एक और मेन चीज, अगर तुम प्रोटेपर ग्रिप्स यूज़ कर रहे हो और तुम्हें साथ में लीवर प्रोटेक्टर्स या फिर नकल गार्ड्स कुछ भी लगाने हैं, तो भाई तुम्हें इनको ग्रिप्स में छेद करना पड़ेगा, और ये मेरे साथ भी हो रहा है। अब मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ेगा, इनके अंदर कुछ छेद करने का ढूंढना पड़ेगा, तो मैं मिलता हूँ उनमें छेद करने के बाद। पर एक्चुअली में तो दोनों ग्रिप्स में छेद करना पड़ेगा, तो मिलते हैं एक स्नैप के बाद इन दोनों में छेद करके। हाँ तो भाई पसीने बिल्कुल भर चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और फाइनली इस पर ग्रिप तो मैंने लगा दी, और इसको बहुत ज़्यादा काटना पड़ गया, क्योंकि तुम देख पा रहे होगे तो पूरा पूरा पार्ट ही उड़ाना पड़ा है। पर ये थ्रॉटल की तरफ करना पड़ा है सिर्फ, थ्रॉटल की भी इस एरिया को पूरा क्लीन करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे इस पार्ट में जो राउंड पार्ट होता है हमारा, यहाँ पे किसी भी तरह का हमारा रबड़ ना आए। अगर रबड़ आएगा तो ये हमारे बार पे ग्रिप करेगा, और ग्रिप करेगा थ्रॉटल बीच में अटकेगा, ये प्रॉपरली ऐसे रोटेट नहीं होगा। तो इसको पूरा कट करना पड़ा है, और ये वाला जो था हमारा, आई होप दिख रहा होगा, जो हमारे क्लच की साइड होता है, इसको मैंने सिर्फ इतना काटा है जितनी ज़रूरत थी, मतलब जितने में से वो हमारा नकल गार्ड का साइड पाम फिट होगा, मैंने सिर्फ उतना कट किया है, पूरी तरह से उसको साफ नहीं किया है। तो अभी इसको लगाते हैं बाइक में और सब कुछ रेडी करते हैं, चलो।
एज यू कैन सी पसीने में बुरे हाल हो गए हैं। इसका कलर ग्रे था, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे दिख रही है अभी। ये पसीना बहुत बुरी तरीके से आ गया, पर काम पूरा हो गया है। एक छोटा सा इशू हो गया, वो मैं भी दिखाता हूँ। तुम हैंडल बार जैसे कि देख सकते हो, हैंडल बार बहुत अच्छे से फिट हुआ है। आई थिंक जैसा मुझे पोस्चर चाहिए था मुझे वैसा मिल भी जाएगा। और ये हैंडल बार लिटिल बिट डाउन है, उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल थोड़ा सा उसके जो पोस्चर है ना थोड़ा सा अलग है हैंडल बार का। और मुझे लग रहा था कि सेम होगा, बट थोड़ा सा पोस्चर का फर्क है, तो मुझे काफी अच्छा लगा है। ग्रिप्स देख सकते हो काफी अच्छे से फिट आई है। ये इसमें से घूमता है, फ्री होता है ये वैसे नॉर्मली। हैंड गार्ड लग गया प्रॉपर, सब कुछ प्रॉपर फिट आ गया। तो जो हमारा लेफ्ट का हैंड गार्ड था उसका ये बोल्ट, तो ये बोल्ट था थोड़ा सा बेंट, एज यू कैन सी थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा होगा, हल्का हल्का बेंड है बोल्ट। और मैंने ये बेंड बोल्ट उसमें चढ़ाने की बहुत कोशिश करी, पर ये नहीं जा रहा है। उसमें जो बोल्ट, उसमें जो थ्रेड होने वाला बोल्ट है वो काफी अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का हैंडल बार है तो वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। और ये बोल्ट बेंड होने की वजह से हमारा लेफ्ट हैंडल बार हैंडल नकल गार्ड रह गया है। बाकी सारा काम कंप्लीट। तो भाई सारा काम कंप्लीट हो गया, मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करना चाहूंगा। तो यही थी वीडियो, आप लोगों को मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।